हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कंक्रीट के अंदर अपन पानी जो यूज करते हैं वो पानी सी वाटर या सॉल्टी वाटर या जिसको अपन खारा पानी कहते हैं या नमकीन पानी कहते हैं उसको क्यों नहीं यूज करते हैं? उसका क्या कारण है वो डिटेल में आज आपको बताऊंगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अब एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सी वाटर और सॉल्टी वाटर फॉर मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। या आज आप अगर अपना कोई घर बनाते हैं या ऐसे सिविल इंजीनियर अगर आप मिक्सिंग के लिए पानी की टेस्टिंग करेंगे तो ये सबसे पहले देखना जरूरी है कि वो कोई सी वाटर या सॉल्टी वाटर तो नहीं है। और क्यों इसको यूज नहीं किया जाता है तो उसके पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप समझा रहा हूँ, जो आप एक बार समझ लीजिए और इसलिए एग्जाम में भी अगर क्या आता है तो पॉइंट्स वाइज आप उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं उसको। तो पहला पॉइंट क्या है, इट मे लीड टू कोरोजन ऑफ रेनफोर्समेंट इन सर्टेन केसेस। मतलब जब वो खारा पानी होता है तो वो क्या करता है कि जो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर स्टील होता है उसमें उससे जंग लगने का खतरा रहता है, इसलिए अपन खारा पानी या सॉल्टी वाटर सी वाटर यूज नहीं करते। सेकेंड होता है दिस वाटर स्लाइटली एक्सीलरेट द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। मतलब क्या होता है कि ये सेटिंग टाइम होता है सीमेंट का, जैसे मैंने बताया था आपको इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, फाइनल सेटिंग टाइम होता है, तो ये क्या करता है कि सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। थर्ड होता है स्लाइटली एक्सीलरेट द अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बट रिड्यूस 28 डेज स्ट्रेंथ बाय अबाउट 10-15%। मतलब क्या है कि ये सॉल्टी वाटर होने से क्या होगा कि कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ तो एक बार आपको जो अर्ली स्ट्रेंथ है वो जल्दी आ जाएगी, कॉन्क्रीट जल्दी हार्ड हो जाएगी, लेकिन जो 28 डेज के बाद जैसे अपन क्यूब टेस्ट करते हैं, जो स्ट्रेंथ चेक करते हैं, तो वो स्ट्रेंथ सपोज M20 ग्रेड की कंक्रीट है तो वहां पे M20 नहीं मिलके 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं मिलके 10-15% उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी, मतलब वो स्ट्रक्चर वीक होगा। तो इसलिए भी अपन सी वाटर या सॉल्टी वाटर यूज नहीं करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि भी आपकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है इससे। फोर्थ है इट्स contains large quantities of chlorides, may causes effervescence and persistent dampness. देखा होगा आपने कि जब भी कोई कॉन्क्रीट हुआ या प्लास्टर हुआ है, जैसे भी कोई स्ट्रक्चर होता है, अगर उसमें सॉल्टी वाटर है तो आपने देखा होगा वो कॉन्क्रीट या तो फूल जाती है या फिर उसके अंदर आपने देखा होगा व्हाइट स्पॉट्स वगैरह बन जाते हैं, उसमें जो नमक होता है वो बाहर आता है, और या फिर वहाँ पे नमी रहती है, जैसे आपने घरों में भी देखा होगा वो नमी, वो उसका कितना भी सॉल्यूशन करो वो नमी हटती नहीं है। तो वो नमी का भी मेन रीजन क्यों कि जो इसके अंदर सॉल्ट होता है तो वो अपनी जगह क्या होता है कि जब अपन क्यूरिंग करते हैं किसी स्ट्रक्चर पे तो वो सॉल्ट क्या होता है धीरे धीरे जो सॉल्ट अपनी जगह ले लिए हुए होता है वो अपनी जगह से हट जाता है, वो वर्ड्स क्या होता है वहाँ वर्ड्स रह जाते हैं, उस वर्ड्स में क्या आ जाती है एयर, या एयर आती है या फिर अगर नमी है तो डैम्पनेस मतलब उसके अंदर नमी आ जाती है, तो वो वर्ड्स जो होते हैं उस वर्ड्स को क्या करते हैं या तो नमी की वजह से वो बढ़ जाती है, तो इस तरह से हर समय वो नमी रहती है, उस पर आप कितने कलर वलर कराते हैं लेकिन वो चीज प्रॉपर हट नहीं पाती है, तो ये चीज भी इसके कारण से ये भी दिक्कत आ सकती है। फिर होता है व्हेन अपीयरेंस ऑफ कंक्रीट इज इम्पोर्टेंट सी एंड सॉल्टी वाटर मे बी अवॉइडेड। ऐसी कोई कॉन्क्रीट हो जो आपको ऑर्नामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या जिसकी फ्रंट फेसिंग हो जो कि सबको दिख रही है या जिसको जिस पर कलरिंग वलरिंग करके आपको बेस्ट बनाना है या कुछ अपीयरेंस के हिसाब से, तो वहां पे भी ये नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा आपने कितना भी उस पर कलर कराया तो जो भी ये सॉल्टी वाटर होगा साल्ट होकर उसके ऊपर आ जाएगा या जो भी कलर होगा उसकी पपड़ी बनने लग जाएगी, तो यहाँ पे इसलिए भी इसको यूज नहीं किया जाता है। फिर सी वाटर और सॉल्टी वाटर इज ऑल्सो नॉट एडवाइजेबल इन प्लास्टरिंग और मेसोनरी। चुनाई होती है ब्रिक मेसोनरी, स्टोन मेसोनरी या प्लास्टर करते हैं अपन, तब भी ये सॉल्टी वाटर नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें भी वही होगा कि जो सॉल्ट होता है वो आपके फ्रंट पे आ जाएगा और वो चीज़ उसकी स्ट्रेंथ है उसके अंदर वॉइड्स रहेंगे और उसकी स्ट्रेंथ भी कम करेगा और वो फिनिशिंग और अपीयरेंस भी अच्छा नहीं रहेगा उसका। फिर है यूज ऑफ सी वाटर सॉल्टी वाटर मस्ट बी अवॉइडेड इन प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में क्या होता है कि जो आयरन के वायर्स होते हैं, जो लोहे के वायर होते हैं, उनको पहले स्ट्रेस दी जाती है, तो
वो पतले वायर्स होते हैं, तो सॉल्टी वाटर होने से क्या होगा, उनमें भी कोरोजन आएगा, और वो इतने कम डाया के होते हैं, और वो भी अगर कोरोजन की वजह से और कम उनका डाया हो गया तो क्या होगा, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट जो भी है वो भी स्ट्रेस से उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। पर आप ऐसे सिविल इंजीनियर हैं, अगर साइट पे कुछ काम चल रहा है या किसी बड़ी साइट पे जाते हैं, छोटी साइट पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपको ये चेक करना बहुत जरूरी है कि उसके अंदर यूज़ किया हुआ पानी, पानी जो यूज़ करने वाला है वो कैसा है, उसको आप टेस्ट कर लीजिए, वो सॉल्टी वाटर या सी वाटर नहीं होना चाहिए। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आई है, तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।